లెజెండరీ బాలీవుడ్ యాక్టర్ దిలీప్ కుమార్ కొద్దిసేపటి క్రితం చనిపోయారు. 98 ఏళ్ల వయసున్న దిలీప్ కుమార్ శ్వాస సంబంధిత అనారోగ్యంతో జూన్ 30న ముంబైలోని హిందూజా హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యారు. అప్పటి నుంచి ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్నారు. అంతకుముందు జూన్ 6న కూడా దిలీప్ కుమార్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యారు. తర్వాత జూన్ 11న డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. దిలీప్ కుమార్ అసలు పేరు యూసుఫ్ ఖాన్. బాలీవుడ్ లో దిలీప్ కుమార్ కు ట్రాజెడీ కింగ్ గా పేరుంది. 1940 లో కెరీర్ ప్రారంభించిన దిలీప్ కుమార్ దాదాపు 60 దశాబ్దాల పాటు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు. మొత్తం 65 సినిమాల్లో నటించారు దిలీప్. దేవదాస్, నయాదౌ, మొగలే ఆజం, దేవదాస్, మధుమతి, అందాజ్, గంగా జమున లాంటి ల్యాండ్ మార్క్ సినిమాలు ఆయన కెరీర్ లో ఉన్నాయి. చివరిగా 1998 లో వచ్చిన కీలా సినిమాలో కనిపించారు. 2000 నుంచి 2006 వరకు రాజ్యసభ సభ్యుడిగా పనిచేశారు. December 11, 2022 పాక్ లోని పెషావర్ లో జన్మించిన దిలీప్ కుమార్ గోపి, సగీనా, బైరాగ్ సినిమాల్లో తన కోయాక్టర్ సైరాభానును 1966లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. పద్మవిభూషణ్, పద్మభూషణ్, దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డుతో పాకిస్తాన్లో అత్యున్నత పౌర పురస్కారమైన ద నిషాన్, ఈ ఇంతియాజ్ అవార్డు అందుకున్నారు. వీటితో పాటు మొట్టమొదటి ఫిలింఫేర్ బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డును అందుకున్నారు. ఈ అవార్డును మొత్తం 8 సార్లు సొంతం చేసుకున్నారు దిలీప్. దిలీప్ కుమార్ మృతి పట్ల ప్రధాని మోడీ, కాంగ్రెస్ లీడర్ రాహుల్ గాంధీ సంతాపం తెలిపారు. సినిమాటిక్ లెజెండ్ గా గుర్తుండిపోతారని ప్రధాని మోడీ ట్వీట్ చేశారు. దిలీప్ కుమార్ మృతి సాంస్కృతిక ప్రపంచానికి తీరని లోటన్నారు మోడీ. ఇండియన్ సినిమాకు దిలీప్ చేసిన సేవలు మరవలేనివన్నారు రాహుల్ గాంధీ. భవిష్యత్ తరాలు దిలీప్ కుమార్ ను గుర్తుంచుకుంటాయన్నారు. आप लगातार इलाज कर रहे हैं, देखिए ये वक्त नहीं है कि उनको हमने ट्रीटमेंट क्या दिया. 98 की उम्र में हर इंसान को कुछ न कुछ तकलीफें होती हैं और उनका इलाज हमने जो किया है वो सही तरीके से किया है. उम्र का तकाजा था और उस वजह से आज सुबह 7:30 बजे डॉक्टर नितिन गोखले थे, सायरा जी थी और 7:30 बजे उनका देहांत हो चुका है. भगवान करे कि उनके आत्मा को शांति मिले. सर, वो 3 जून को एडमिट हुए थे, क्या समस्याएं उनको आई थी जिस वजह से वो एडमिट हुए थे और लगातार इससे पहले भी 5 जून को भी एडमिट हुए थे? देखिए, कोई देहांत होने के बाद रीजन ऑफ डेथ नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना. थोड़ी तो इज्जत देनी चाहिए जो इंसान का देहांत होता है. तो ये वक्त नहीं है कि क्या रीज़न है क्या नहीं है. उनको सांस की तकलीफें थी पहले, तो आपको सब मालूम था. तो वो जो उसके लिए जो भी इलाज करना था उसके लिए कुछ डॉक्टर मौजूद थे जिन्होंने सब मिलकर हम लोग ने इलाज किया था. उसमें सब में पहले जो थे उनके कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन गोखले थे, फिर मैं था. नितिन गोखले तो उनके मुझे लगता है 21 साल के ऊपर इलाज उनका कर रहे थे, मैं 20 साल से कर रहा था. फिर डॉक्टर अनीता पटेल जी थी जो यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको भी बुलाया गया था. डॉक्टर जयदीप पालेप जो सर्जन थे उनको भी बुलाया गया था. तो हम सब मिलकर जो भी इलाज करते थे वो साथ में करते थे, साथ में इंटेंसिविस्ट जो थे वो भी थे मौजूद. तो इलाज जो भी करना था वो हमने मिलकर किया है. कोशिश तो बहुत की, हम चाहते थे कि उनके 100 साल पूरे हों. उनके ऐसा शख्स मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में कभी पैदा होगा. शख्सियत काफ़ी बड़ी थी और उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड का नाम नहीं अपने देश का नाम भी रोशन किया है. और मुझे लगता है कि उन्होंने नाम बॉलीवुड का हॉलीवुड से ज़्यादा भी कर चुके हैं. आगे की चीज़ें आपको अगर पूछनी है तो फैसल फारूकी साहब के साथ पूछिए,
फिर मैं आपसे वापस बात करता हूँ, इनसे पूछ लो ना, इनसे बात करता हूँ। कैसा रिश्ता रहा है, कई सालों से आप उनको जानते थे, खिदमत की उनकी, क्या मोबाइल पार्टी के लिए भाई? दिलीप साहब आप जैसे जानते हैं कि एक खाली फिल्म अदाकार ही नहीं थे, फिल्म एक्टर ही नहीं थे, बहुत ही ग्रेट ह्यूमन बीइंग थे। और इस रिश्ते से उनकी मोहब्बत सारे देश के हर एक उस बच्चे से, बड़े से, बूढ़े से रहती थी। जिसको देश से प्रेम हो, जिसको फिल्म से प्रेम हो, आर्ट से प्रेम हो, और इंसानियत फूट फूट के उनमें भरी गई थी। इसी सिलसिले से साहब को मैंने ट्विटर पे इंट्रोड्यूस कराया, सोशल मीडिया पे उनको फेसबुक, शुरू शुरू में वो ट्विटर खुद ही पढ़ते थे और मुझको बोल देते थे रिप्लाई करना। धीरे धीरे जैसे उनकी तबीयत थोड़ा नासाज हुई तो उन्होंने डिक्टेट करना बंद कर दिया, कभी पढ़ते थे कभी नहीं पढ़ते थे। और लेकिन उनका एक पब्लिक से, एक उनके फैन से, वेल विशर से हमेशा एक कनेक्शन बना रहा, चाहे वो वॉक कर रहे हों जॉगर्स पार्क में, चाहे वो बाहर कहीं जा रहे हों एयरपोर्ट पे, तो हर जगह उनकी मोहब्बत हमेशा उनके चेहरे पे लगती थी। कोई उनसे मिल जाता था तो 5 मिनट 10 मिनट तक तो खैरियत पूछते थे। और मुझे लगता है कि दिलीप साहब जैसा इंसान इस दुनिया में आज की तारीख में, और हो सकता है आगे भी आना, बहुत मुश्किल है। सायरा जी की स्थिति क्या है? सायरा जी आपको मालूम है, सायरा जी दिलीप कुमार को, मुझको लगता है जब से वो पैदा हुई हैं वो दिलीप कुमार से मोहब्बत करती थी। और सायरा जी की ऑफिशियली उनकी 55 साल की ज़िंदगी जो एज हस्बैंड एंड वाइफ जो उन्होंने साथ में गुजारा है वो एक मिसाल है। जी आगे की क्या प्रक्रिया होगी यहाँ से? दिलीप साहब का जो पार्थिव शरीर है क्या उनके जी अभी वही फैमिली और हम लोग सब लोग बैठे हैं ऊपर, कुछ ही देर में हम आप लोगों को इतला कर देंगे। शाम हमने ये सोचा है कि 5 बजे बैरियल उनका जुहू कब्रिस्तान में जो सांता क्रूज पे है वहाँ पर होगा। क्या उनका अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर रखा जाएगा, क्योंकि काफ़ी फेमस थे, बॉलीवुड के आइकॉन्स हैं, राजनीतिक जगत के लोग उनके फैंस हैं। ये मैं आपको इतला कर दूंगा, अभी वो बात चल रही है और ट्विटर पे भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। आज सकाळी पहाटे 7:30 त्यांची तब्येत बिघडली होती आणि जेव्हा त्यांची तब्येत बिघडली तेव्हा सायरा जी होती आणि त्यांचे कार्डिओलॉजिस्ट जे आहेत डॉक्टर नितीन गोखले ते पण होते आणि अंतिम श्वास त्यांनी घेतला